मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सी आई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि हमारे एक नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, कंप्यूटर बेसिक कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज मेरी पहली क्लास होगी जो आपको कंप्यूटर में डीपली कंप्लीट नॉलेज आपको हम बेसिक का प्रोवाइड करेंगे। आज की मेरी जो क्लास है वो कंप्यूटर शब्द क्या है, कंप्यूटर किस पर डिपेंड करता है, ये सारा कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। इसको अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो ही आपको कंप्लीट नॉलेज हो पाएगा। तो वीडियो में आप बने रहें। एक बार मैं आपसे कहूँगा कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो अभी कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, तो हमारी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के पास आप शेयर जरूर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लासेस को अटेंड कर पाएं। तो आज के टॉपिक पर हम चलते हैं, देखते हैं, बोर्ड पर ले चलते हैं आप लोगों को। कंप्यूटर, कंप्यूटर मीन्स संगणक, कंप्यूटर को हम संगणक कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है संगणक। संगणक मतलब होता है गणना करने वाला। कंप्यूटर शब्द जो है वो कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट मतलब होता है गणना, कंप्यूट मीन्स गणना और कंप्यूटर मीन्स गणना करने वाला। गणना करने की जो मशीन है उसी को हम कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है संगणक। हम देखते हैं कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर, कंप्यूटर किस पर डिपेंड करता है। कंप्यूटर का जो शब्द है, पूरा कंप्यूटर वर्ड है, उसकी मीनिंग आप देखेंगे पर कैरेक्टर की मीन्स क्या है। कंप्यूटर आज के टाइम में हर क्षेत्र में है, कंप्यूटर से कोई भी क्षेत्र पर ही नहीं रह गया है। तो हम कंप्यूटर का एक फुल नेम है उसको मैं समझाता हूँ, कंप्यूटर शब्द का मतलब क्या है उसे आप ध्यान से देखेंगे। सी फॉर है कॉमनली, कॉमनली मीन्स होता है सामान्यतया, सामान्यतया इसको हर क्षेत्र में देखा जाता है। कंप्यूटर का जो यूज है कॉमन सेक्टर्स में, हर एक सेक्टर में इसका आप उपयोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटर, ऑपरेटर मीन्स हो गया चलाने वाला, जो संचालक है, जो इसको चलाता है। चूंकि कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन को बिना किसी संचालक के इसका यूज नहीं किया जा सकता है, इसको बिना ऑपरेटर के नहीं यूज किया जा सकता है। तो कंप्यूटर सी फॉर कॉमनली हो गया, कॉमनली मीन्स होता है सामान्यतया या सामान्य रूप से आप कह सकते हैं। ओ फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटर मीन्स होता है संचालन करने वाला, जो संचालक होता है उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। चूंकि कंप्यूटर एक मशीन और मशीन को चलाने के लिए एक ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपका एम फॉर मशीन, आप जानते हैं कंप्यूटर एक मशीन है, एक डिवाइस है, एक यंत्र है, जो मशीन हमारे दिए गए अरिथमेटिक एंड लॉजिक डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को वो मैनिपुलेट करता है, क्रियान्वित करता है और उसका रिजल्ट बनाता है। तो मशीन, एम फॉर मशीन, यंत्र या मशीन हम कह सकते हैं। पी फॉर होता है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब होता है विशेष, ये हर एक विशेष है, किसी भी सेक्टर में इसका विशेष यूज है। पर्टिकुलरली या विशेष रूप से हम कहें या फिर हम विशेष कहें। यू फॉर है यूजर, यूजर उपभोक्ता, जिस भी सेक्टर में हम इसका यूज करते हैं। कंप्यूटर का आज हमने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर से परे कोई भी क्षेत्र नहीं रह गया है। तो जहां इसकी उपयोगिता है, जहां इसके उपभोक्ता हैं, उस तरह से इसको हम यूज करते हैं। तो यू फॉर यूजर, यूजर भी एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है कंप्यूटर की, जिसे हम उपभोक्ता या उपयोगकर्ता कहते हैं। अपनी उपयोगिता के आधार पर इसको अलग अलग टाइप के उपभोक्ता इसको उपयोग करते हैं। टी फॉर होता है ट्रेड, ट्रेड मीन्स होता है व्यवसाय या व्यापार। किसी भी बिजनेस में कंप्यूटर इन्वॉल्व हो चुका है, वो चाहे जिस टाइप का बिजनेस हो, चाहे हॉस्पिटलिटी ले लीजिए, चाहे आपका कॉमर्शियल सेक्टर ले लीजिए, ई कॉमर्स ले लीजिए, या कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो कंप्यूटर जिसमें ना ऐड हुआ हो। तो व्यवसाय, ट्री फॉर ट्रेड, ट्रेड मीन्स होता है व्यापार या व्यवसाय। ई फॉर होता है एजुकेशन, ई मीन्स एजुकेशन, एजुकेशन मतलब शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। चूंकि आप देख रहे हैं ऑनलाइन मेरी क्लास आप अटेंड कर रहे हो, मैं भी आपको कंप्यूटर के लिए ही अवेयर कर रहा हूँ, कंप्यूटर के से ही लिटरेट कर रहा हूँ, कंप्यूटर की ही जानकारी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, कंप्यूटर सब्जेक्ट को ही मैं टीच कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर का जो एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा रोल है। आर फॉर होता है रिसर्च, रिसर्च अनुसंधान सेंटर्स में, बड़े बड़े अनुसंधान में बड़े बड़े साइंटिस्ट
कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे नई नई खोजें, नए नए अनुसंधान किए जाते हैं। वो रिसर्च सेंटर में भी कंप्यूटर की बहुत बड़ी उपयोगिता है, जिसके माध्यम से हम कोई भी खोज करते हैं या कोई भी रिसर्च करते हैं। तो आप एक बार फिर से देख लें, सी फॉर कॉमनली मतलब सामान्यतया, ये हर जगह देखा जाता है। ओ फॉर ऑपरेटर, इसको ऑपरेट करने के लिए संचालक की जरूरत होती है, जो इसका संचालन करते हैं, जो इसको चलाते हैं। एम फॉर होता है मशीन, मशीन मीन्स होता है यंत्र या मशीन ही हम कहते हैं। मशीन चूंकि इसमें जो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का मिश्रण होता है, इसके द्वारा हम दिए गए इंस्ट्रक्शन को, जो हम आदेश देते हैं, उसको ये क्रियान्वित करके इसका रिजल्ट बनाता है, ये मशीन होती है। पी फॉर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब होता है विशेष, क्योंकि ये जो डिवाइस है कंप्यूटर, एक विशेष मशीन है जिसका इस्तेमाल हर जगह पर किया जाता है। यू फॉर होता है यूज़र, यूज़र जैसी जिसकी उपयोगिता होती है, उस टाइप के यूज़र्स कंप्यूटर को अलग अलग सेक्टर में यूज़ करते हैं। टी फॉर होता है ट्रेड, ट्रेड मीन्स होता है व्यवसाय या व्यापार, जिस भी व्यापार में आप देखेंगे कंप्यूटर वहाँ आपको मिलेगा, चाहे भी जिस सेक्टर का बिजनेस हो, जिस टाइप का बिजनेस हो, उसमें आपको कंप्यूटर की उपयोगिता मिलेगी। ई फॉर होता है एजुकेशन, एजुकेशन सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है कंप्यूटर का, जहाँ से आप कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करते हैं और अपने द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा को अलग अलग बिजनेस में, अलग अलग कंपनियों में, अलग सेक्टर में आप उसको यूज़ करते हैं। तो एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है कंप्यूटर की। आर फॉर होता है रिसर्च, रिसर्च मीन्स होता है अनुसंधान, जो हम खोज करते हैं, जैसे हमारे साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर आपको कंप्यूटर की विशेष उपयोगिता मिलेगी। तो रिसर्च भी इसकी एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है। तो आपने देखा कि कंप्यूटर शब्द जो है वो कुछ बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट से मिलकर के बना।